इस वीडियो में आप जानेंगे किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना, पिन करना और अन्य कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले देखते हैं किसी प्रोग्राम या फोल्डर का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। यदि आपको किसी प्रोग्राम या फोल्डर में रोज या एक ही दिन में कई बार काम करना होता है, तो पहले आपको उसके लोकेशन पर जाना होता है, फिर उसे खोलना होता है। मान लीजिए आप एक दिन में कई बार एक्सेल में काम करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एक्सेल ओपन करने की लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, फिर वहां से एमएस ऑफिस पर जाएं और फिर एक्सेल पर जाकर क्लिक करें। यदि आप इस लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए यहां एक्सेल पर राइट क्लिक करें और सेंड टू पर जाएं और फिर डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर एक्सेल का शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। अब यदि आपको एक्सेल पर काम करना है, तो बस इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें। देखिए, एक्सेल ओपन हो गया है। हम इसे बंद कर देते हैं। इसी तरह आप किसी फाइल या फोल्डर का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। यदि आप इस शॉर्टकट को हटाना चाहते हैं, तो उस पर जाकर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस शॉर्टकट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यस के लिए एंटर प्रेस करें और नो के लिए एन प्रेस करें। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, शॉर्टकट डेस्कटॉप से चला गया है। आइए अब देखते हैं किसी प्रोग्राम को टास्क बार पर पिन कैसे करते हैं। जिस तरह से आप किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाकर उस तक शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, उसी तरह टास्क बार में भी किसी प्रोग्राम को पिन करके उस पर शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। उसके लिए उस प्रोग्राम पर जाना होगा जिसे आपको पिन करना है और फिर उस पर पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और उसे दबाकर ही रखते हुए टास्क बार पर उस प्रोग्राम को ड्रैग करते हुए लाएं और फिर वहां क्लिक छोड़ दें। ये देखिए, वो प्रोग्राम टास्क बार पर पिन हो गया है। अब आपको इसे जब भी उपयोग करना हो, इस पर एक बार क्लिक करें। यदि आप इस पिन किए गए प्रोग्राम को हटाना चाहते हैं, तो इस पर माउस से राइट क्लिक करें, फिर अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करें। ऐसा करते ही टास्क बार से प्रोग्राम हट जाएगा। आइए अब समझते हैं कि यदि कोई विंडो ओपन है, तो उसका आकार कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर रहे हैं नोट पैड और फिर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि विंडो का जो आकार है, उसको बड़ा या छोटा करना हो या उसकी चौड़ाई या लंबाई बढ़ानी या घटानी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पॉइंटर को विंडो की चारों बाउंड्रीज यानी इसकी जो किनारे हैं, उनमें से किसी पर भी ले जाएं। देखिए, ऐसा करते ही एक निशान दिखाई पड़ रहा है जिसमें दोनों ओर तीर के निशान हैं। यदि आप विंडो की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ साइड वाली बाउंड्री पर पॉइंटर रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और फिर उसे बगैर छोड़े राइट साइड में ड्रैग करें और मनचाही स्थिति आने पर क्लिक छोड़ दें। और यदि आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे वाली बाउंड्री पर पॉइंटर ले जाकर माउस को दबाकर नीचे की ओर ड्रैग करें। इसी तरह यदि आप एक साथ लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ कॉर्नर पर पॉइंटर रखकर माउस को दबाकर नीचे कॉर्नर की ओर ड्रैग करें। इस तरह आप विंडो को अपनी जरूरत के अनुसार चारों ओर किसी भी साइज में बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी हम इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर बंद करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। इसे समझाने के लिए यहाँ हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं
और नोटपैड ओपन करके मिनिमाइज किया हुआ है। और अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी ओपन करके मिनिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर तीन प्रोग्राम्स ओपन हैं। अब यदि आपको कंप्यूटर बंद करना है तो कभी भी सीधे कंप्यूटर को शटडाउन ना करें। पहले इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हैं, उन्हें एक एक करके बंद करें। उसके बाद ही कंप्यूटर को शटडाउन करें। कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं ये हम आपको कंप्यूटर वाली वीडियो में समझा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना, उसे पिन करना और साथ ही प्राप्त की कुछ अन्य जानकारियां।